हेलो दोस्तों, आज आप सबके लिए एक एगलेस केक का रेसिपी है। तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम सबसे पहले एक एगलेस, ये प्रीमिक्स चॉकलेट प्रीमिक्स है जो हम 566 ग्राम या 560 ग्राम के आसपास हम लेते हैं, 560 ग्राम। और इसमें हमें पानी जस्ट ऐड करना है अभी पहले, तो पानी हम इसमें डालेंगे वो 266 ग्राम डाल दिया। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल जो कि हम वो डालेंगे 56 ग्राम। ये हो गया, अभी हम इसको जस्ट मिला देंगे। अभी इसको अच्छी तरह से हमें मिलाना है। जो लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखिए जिससे आने वाला वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। तो ये जो बैटर है हमारा, ये स्पंज हम बना रहे हैं सबसे पहले। ये स्पंज का बैटर जो है ये रेडी हो गया है, ये बिल्कुल एगलेस है। देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी और थिकनेस, बिल्कुल इतना ही रखना है। आपको छोटे पोर्शन बनाने हैं तो आप उसी हिसाब से डिवाइड कर लीजिए छोटे क्वांटिटी में। अभी हम एक ट्रे ले लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा बटर पेपर डाल देंगे एक नीचे। इससे क्या होगा, नीचे ट्रे में डायरेक्ट जो केक स्पंज है वो चिपकेगा नहीं। अभी हम दो रिंग ले लिया मैंने, जो हाफ के जी का केक का साइज होता है, केक रिंग 500 ग्राम का होता है, 1 kg का होता है, सबका अलग अलग मोल्ड होता है। तो इसमें हम जो आधा आधा हम दोनों डाल देंगे दोनों में। और देखिए हो गया, अब इसको थोड़ा सा स्पेशला से बस एक लेवल में करके फिर हम ओवन में डाल देंगे इसको बेक करने के लिए। इसको हमें 180 डिग्री पे टेम्परेचर पे बेक करना है और ये 25 मिनट लगेंगे इसको बेक होने के लिए। बेक होने के बाद में निकाल लीजिए, एक बार आप को चेक करना है तो अगर टूथपिक से डाल के चेक कर लीजिए, अगर ड्राई हो गया है तो बिल्कुल अंदर से पका हुआ है। उसके बाद से हम मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं, वो ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद ये मोल्ड से निकालते हैं बाहर। फिर उसको हम ऊपर से साइड से एक पतला सा लेयर जो होता है निकाल देते हैं। फिर उसके बाद से इसको हम 3 भाग में स्लाइस करके इसको हम निकाल देते हैं। लगभग हाफ 1 इंच का थिकनेस रहता है। तो ये स्पंज मेरा कट के रेडी हो गया। अभी हम ये स्पंज पे ये शुगर वाटर है, ये जस्ट नॉर्मल शुगर होता है, उसमें पानी डाल के आप कुछ को जस्ट मिला के उसको रख लीजिए। इससे क्या होता है, स्पंज थोड़ा सॉफ्ट बना रहता है। इसके ऊपर ये व्हीप क्रीम है जो मैंने ऑलरेडी पहले से बीट करके रखा हुआ है। इस क्रीम को ऊपर से जस्ट एक लेयर की तरह आपको ऊपर से जस्ट फैला देना है। इसके बाद में ये चेरी है, कैन चेरी है जो कि टिन में आता है, इसको हमने चॉप करके रखा है, ये हम डाल देते हैं ऊपर से, लेयर हो गया। फिर से स्पंज डाल देंगे, फिर से इसके ऊपर में शुगर वाटर डाल देंगे, फिर वही चीज़ सब सेम करना है। वापस हम इसके ऊपर में क्रीम डालेंगे, फिर चेरी डालेंगे। इसी तरह से जो लेयर है केक का बिल्कुल रेडी हो जाता है, देख लीजिए। आने वाले वीडियो में और भी बहुत सारे हम बेकरी डेजर्ट्स हम लाने वाले हैं अपने चैनल पे, तो आप ज़रूर आप सब लोग देखें और मेरे साथ बने रहिए। और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले वीडियोस हैं हमारे, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे शूट करके रखे हैं जो एक एक करके हम डालते रहेंगे, आप लोग सब ज़रूर देखें। और कमेंट्स ज़रूर करें कि आप लोग को ये रेसिपी कैसा लगा। ये जो फाइनल लेयर का है स्पंज, ये हम डाल देते हैं ऊपर से, फिर से शुगर वाटर डाल के अभी इस पर हम फाइनल फिनिशिंग क्रीम चारों साइड से इसको हम कवर करेंगे, इसको चारों साइड से लगा के। ताकि साइड से भी क्रीम लगा देते हैं इस तरह से। आप ये चीज़ घर में भी बना सकते हैं, घर में अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके पास में तो आप घर में भी बना सकते हैं, या कोई ओकेजन है, कोई कुछ स्पेशल केक बनाना है उस टाइम भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो साइड से अच्छे से फिनिशिंग, केक का सबसे ज़रूरी चीज़ होता है फिनिशिंग। एक फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए तो ही वो अच्छा दिखता है।
कि मैंने बहुत ही बेसिक केक का जो रेसिपीज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, जो एग्लिश ब्लैक फॉरेस्ट केक है ये, जो कि बहुत ही आसान और बहुत सिंपल केक है ये। आगे और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केक की भी रेसिपीज मेरे चैनल पे आएंगे, तो उससे आप लोग आप ज़रूर देखिएगा उसको भी। इस साइड से ऊपर से नीचे से इसको बिल्कुल हम एक फिनिशिंग टच दे दिया है। ये कॉम लेके, ये प्लास्टिक का कॉम है, इसको हम देते हैं, इसे डिजाइन थोड़ा सा बन जाता है। इसके बाद से इसको हम, ये मेरा इस केक बेस है, नीचे केक बेस पे अभी डाल देते हैं। और ये जो है ये डार्क चॉकलेट है जिसको हमने ग्रेट करके रखा हुआ है, इसको साइड से जस्ट हमें क्रीम के ऊपर में चिपकाना है। इस तरह से साइड से चिपकाते रहिए, जो साइड से नीचे गिरते रहेगा, जो एक्सेस रहेगा साइड से नीचे गिर जाएगा, तो उसको वापस हम लेके ऊपर से इस तरह से पूरा भर देंगे इसको चारों साइड से। ये पूरा लेयर हो गया है। अब जस्ट गार्निश के लिए हमें एक स्टार नोजल लेके पाइपिंग बैग में आप क्रीम भर लीजिए और ऊपर से इसको फ्लावर की तरह, छोटे छोटे फ्लावर की तरह में इसको डेकोरेशन के लिए आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं सारे। और भी केक के बहुत सारे डिजाइन से वो भी मैं लेके आऊँगा, डिफरेंट डिफरेंट गार्निश का डिज़ाइन लेके वो भी दिखाऊँगा आपको और क्या क्या डिजाइन आप बना सकते हैं इसमें। इसके ऊपर से हम जस्ट चेरी डाल देते हैं, कैन चेरी है ये भी, होल चेरी डाल दिया और ये केक जो है बिल्कुल रेडी है। अगर आज का वीडियो आप सबको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर तो ज़रूर कीजिए और अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए जिससे ये वीडियो जो आने वाला वीडियो है आपके पास तक सबसे पहले पहुँच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।